सो ही नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नई वीडियो में स्वागत है। तो यहाँ पे यार काफ़ी दिन हो गया था नोट 7 या नोट 7 एस लेवेंडर आप कह सकते हो, इसके लिए मैं यहाँ पे गूगल कैमरा की वीडियो नहीं ला के आ पाया था आपके लिए। लेकिन यहाँ पे काफ़ी अच्छा टाइम लगा है, लेकिन उसके अच्छा है आपको काफ़ी स्टेबल यहाँ पर गूगल कैमरा देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको सेटिंग भी बिल्कुल नहीं करनी पड़ती है और काफ़ी स्मूथ यहाँ पर आपके लिए वर्क करता है। सेटिंग वगैरह बहुत ही मिनिमल है, सिर्फ एक दो चीज़ चेंज करनी है, नथिंग आपको यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, इसमें दिखाता हूं आपको बेस्ट गूगल कैमरा फॉर Redmi Note 7। तो हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लाइक जरूर कर देना प्लीज़ यार, अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर भी जरूर कर देना। तो यहाँ पे आपको दिखा दूँ तो ये बेस्ट गूगल कैमरा 6.3 वर्जन देखने को मिलता है आपको यहाँ पे Redmi Note 7 यानी लेवेंडर के लिए, जो कि फुली स्टेबल वर्किंग आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे कैमरा मोड दिखा दूँ, पोर्ट्रेट मोड, नाइट मोड आप देख सकते हो, लेफ्ट में शिफ्ट हो गया है जो कि नए तरीके का आपको यहाँ पे नाइट मोड देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। एंड अगेन पोर्ट्रेट मोड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, वीडियो रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाएगी जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे 60 फ्रेम पर सेकंड आप देख सकते हो और वो भी स्टेबल में पूरा आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात रहती है। एंड यहाँ पे मोर में आप जाओगे तो मोर में भी काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, पैरानोमा, लेंस ब्लर, फोटो स्पेयर, फोटो बूथ, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, लेंस वगैरह। तो स्लो मोशन बहुत सारे लोगों का रहता है कंसर्न कि वर्क कर रहा है कि नहीं, तो देख लो स्लो मोशन भी काफ़ी ईजिली काफ़ी अच्छे से यहाँ पर आपको वर्क करता है और वीडियो भी आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हो स्लो मोशन में और आप यहाँ पर देख भी पाओगे, तो उसमें भी कोई दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं आती है। टाइम स्लैब वगैरह आपको सब चीज़ देखने को मिल जाती है। यहाँ पे सेटिंग में दिखा दूँ तो आपको इस तरीके का देखने को मिलता है स्टेबलाइजेशन, वीडियो वगैरह। एंड मेन चीज़ तो यहाँ पे फोक कैमरा है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करके दिखा दूँ तो तुरंत आप देख सकते हो स्नैप क्लिक हो जाती है एंड यहाँ पे आपको ये पिक देखने को मिल जाएगी। आई होप आपको विजिबल यहाँ पे होगी इस लाइटिंग कंडीशन में। तो यहाँ पे आपको इसके अलावा दिखा दूँ तो देख सकते हो कुछ पिक्स यहाँ पे सैंपल जो मैंने क्लिक करे हैं, काफ़ी डिटेल्ड पिक आपको यहाँ पे इसके अंदर देखने को मिलती है, जो कि बहुत ही आई प्लीजिंग यहाँ पे लगती है और स्टॉक कैमरा से ऑफकोर्स ज़्यादा आपको यहाँ पे देखने को अच्छी मिलती है। तो देख सकते हो कुछ और सैंपल यहाँ पे जो मैंने क्लिक करे हैं एंड इसी के फ्रंट कैमरा से भी कुछ सैंपल यहाँ पे मैंने क्लिक करे हैं, कितनी डिटेल्स आपको इसके अंदर देखने को मिलती है पूरा आप यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हो। ये सब मैंने इसी से क्लिक करे हैं, फुल टू डिटेल, नाइट मोड, वर्किंग, सब चीज़ आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसको डाउनलोड करने के लिए आपको लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाके सिंपली डाउनलोड करके अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल करना है। आपको यहाँ पे कैमरा टू एपीआई कुछ अनेबल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो सिंपली डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो और एक दो सेटिंग यहाँ पे चेंज कर लो। जैसे कि सेटिंग में जाओगे तो सबसे पहले आपको सेव लोकेशन अगर ऑन रखना है तो रख लो, वरना ज़रूरत नहीं है। और गूगल लेंस सजेशन भी ऑफ कर देना और कैमरा साउंड को भी आप यहाँ पर ऑफ कर देना। उसके अलावा आप एडवांस में जाओगे तो ये सारे ऑप्शन देख लो, शो डेटी लेंस वार्निंग, एसडीआर कंट्रोल दोनों ऑन होना चाहिए। एंड अगेन आप पर आप नीचे आओगे यहाँ पे, तो सेटिंग से यहाँ पे हम लोग बाहर निकल गए, तो नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा जो कि है यहाँ पे कंप्रेस जेपीजी। तो यहाँ पे आप इसको 100% ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपके में नहीं है। और उसके अलावा नीचे आपको क्वालिटी एचडीआर प्लस का ऑप्शन मिलेगा, इसमें आपको इसको 13 पूरा सेट करना है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जितना अच्छे आप सेट करोगे उतना ज़्यादा बेटर आपको क्वालिटी देखने को मिलती है। उसके अलावा बाइनरी लाइब्रेरीज आपको डिफ़ॉल्ट रखनी है तो रखो, अगर आपको यहाँ पे चेक कर सकते हो कि कौन से में बेटर आपको देखने को मिल रहा है, मेरे लिए तो डिफ़ॉल्ट ही बेटर था तो मैंने डिफ़ॉल्ट में ही इसको छोड़ दिया है। यहाँ पे सैचुरेशन की भी सेटिंग मैंने डिफ़ॉल्ट में कर रखी है, जो कि काफ़ी अच्छी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। बेसिक मॉडल आप ध्यान रखना, सेटिंग में आपका बैक कैमरा पिक्सल 4XL एंड फ्रंट कैमरा नेक्सस 5X हो तभी यहाँ पर आपका वर्क करेगा, वरना आपको कुछ पिक्चर क्वालिटी में ज़रूर से इशू देखने को मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे DP6P3 कलर स्पेस की भी सेटिंग आप ऑन रखना एंड डिसेबल जूम भी आपका यहाँ पे ऑन हो। उसके अलावा नाइट शूटिंग एक्सपर्ट भी आप यहाँ पे ऑन कर दीजिएगा, उसके अलावा आपको और कोई सेटिंग यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्विक सेटिंग वाले ऑप्शन को अगर आपको यहाँ पे अनेबल करना है तो आप कर सकते हो, और वैसे कुछ ज़रूरत नहीं है यहाँ पे और भी ऑप्शन आपको अनेबल करने की। तो क्विक सेटिंग में आप अनेबल कर दोगे तो सारे ऑप्शन आपको इस तरीके से बाहर ही मिल जाएंगे, जिससे आप इजीली इसको अनेबल कर सकते हो। तो यही सब यहाँ पे आपको उसको सेटिंग चेंज करने का ऑप्शन रहता है। ध्यान रखना वीडियो स्टेबलाइजेशन जब आप सेलेक्ट करोगे तो 60 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड करना था, अभी आपको स्टेबलाइजेशन देखने को मिलेगा, वरना आपको स्टेबलाइजेशन भी देखने को नहीं मिलता है। तो इस तरीके से आप थोड़ी बहुत सेटिंग यहाँ पर चेंज कर सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ यहाँ पर रहती है। और आप स्टेबलाइजेशन
करोगे तो थोड़ा आपको जूम देखने को मिलता है। तो इस ऑप्शन को बंद ही रहने देना तो ज़्यादा बेटर है और आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी काफ़ी अच्छी यहाँ पे आती है। तो ओवरऑल देखा जाए काफ़ी स्मूथ डैशिंग और धसाक वाला आपको यहाँ पे ये देखने को मिलता है गूगल कैमरा। तो लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, जाके आप डाउनलोड करके अपने फ़ोन के अंदर इसको सेव कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो नोट 7 के अंदर और काफ़ी अच्छे से इन्जॉय कर सकते हो यहाँ पे पिक्चर क्वालिटी को, जो कि आपको स्टॉक कैमरा में आई डोंट थिंक ये देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे आपको तो उसमें तो बिल्कुल नहीं देखने को मिलती है ग्लोबल स्टेबल रोम में, लेकिन चाइना रोम में देखने को मिलती है यार सरप्राइजिंगली। तो फिलहाल के लिए तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।